कोई फॉरनर आ गया था गलती से एड्रेस पूछने, उसको पिछली वाली गली में जाना था तो वो आ गया, तो मुझे इसलिए वीडियो बीच में रुकना पड़ गया। कंपाउंडिंग, अब मोटी बात आप ये समझो कि कंपाउंडिंग के ऊपर मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं है। जब मैं कंपाउंडिंग के खिलाफ बोलता हूँ उसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपाउंडिंग वर्क नहीं करती। कंपाउंडिंग एफडी में वर्क करती है, कंपाउंडिंग बिजनेस में वर्क करती है, कंपाउंडिंग सेविंग में वर्क करती है, हर जगह कंपाउंडिंग वर्क करती है, ठीक है, पर कंपाउंडिंग जुए में वर्क नहीं करती है, ये बात आप समझ लो। अब ये बात मैं हवा में बोल रहा हूँ कि कंपाउंडिंग जुए में वर्क नहीं करती है, नहीं, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए एक चीज बहुत जरूरी चीज चाहिए होती है। अगर कंपाउंडिंग को आपको कामयाब बनाना है उसके लिए आपको एक चीज सबसे जरूरी चाहिए होती है, वो होती है, वो होता है पेशेंस, सहन शक्ति, सहन करना, पेशेंस, धैर्य चाहिए होता है। गैम्बलिंग जो करते हैं उनमें 99% लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, या जिनके अंदर होता है वो भी धीरे 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 एक लेवल के बाद में एक झटके में वो पेशेंस टूट जाता है। अब जैसे ही वो पेशेंस टूटेगा आपकी पूरी कंपाउंडिंग में जितना आपने रिटर्न लिया होगा वो सब एक बार में चले जाएगा। इसको मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो क्या होता है, बिजनेस में, एफडी में, सेविंग में, हर जगह कंपाउंडिंग काम करेगी, इवन मूर्ख से अकलमंद बनने में भी कंपाउंडिंग बात करेगी, काम करेगी। आपने आज एक बात सीखी, कल आपने एक बात सीखी, परसों आपने एक बात सीखी, 30 दिन में आपने 30 बातें सीखी, तो अगले 30 दिन में आप 30 बात नहीं सीखोगे, अगले 30 दिन में आप 40 बात सीखोगे, पिछली 30 बातों से भी तो कुछ नया सीखोगे ना। ये कंपाउंडिंग हर चीज में काम करती है, पर जुए में इसलिए नहीं काम कर सकती। या एक्सेप्शन को एग्जाम्पल मत मानो, अपवाद को उदाहरण मत मानो। मान लो किसी एक आदमी का काम कर गया तो हम एक आदमी को जनरल नहीं मान सकते, उसको हर उसको हम एग्जाम्पल नहीं मान सकते, रेफरेंस नहीं मान सकते। मान लो कोई एक बिरला है, उसमें उसके कंपाउंडिंग काम कर गई, उसमें सहन शक्ति है, तो वो सबके लिए काम करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। पर फिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखो कंपाउंडिंग देखने में सबसे आसान लगती है, 4% प्रॉफिट, 12% लॉस। अब आ रहा हूँ मैं इसके ऊपर। जैसे आपको ये कहा गया कि आप 10,000 रुपये लेके बैठो, या 1 लाख रुपये लेके बैठो, या 1,000 रुपये लेके बैठो, सिंपल बात, बड़ा आसान लगता है। अब अगर आपको ये कहा जाए कि सिर्फ 4% ही तो प्रॉफिट बनाना है, 100% गैम्बलर को लोग, अरे ये तो बड़ा आसान है, ये तो मेरा चुटकियों का गेम है। वो क्या करेगा, 1 लाख रुपए जमा करेगा, या 1,000 जमा करेगा, या 10,000, जिसकी जो हैसियत है वो उतनी जमा करेगा। वो कहते हैं 4% मुनाफा और 12% लॉस पे रुकना है, 4% से ऊपर मुनाफा नहीं लेना है, 12% से नीचे का लॉस नहीं लेना है। अब आप एक ठंडे दिमाग से शांत होकर के समझने की कोशिश करो, अगर आप समझना चाहते हो, नहीं तो आपकी बर्बादी की जिम्मेदार आप हो। आप आज नहीं, 6 महीने बाद जब आप लॉस उठाओगे तब आप कहोगे एक आदमी ने समझाया था, हम नहीं समझे थे। आपने, अगर हम पहले लॉस की बात करते हैं, कि आपने एक रकम जमा करी, वो 1,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, उसमें आपने कहा कि 12% अगर लॉस होगा तो मैं रुक जाऊंगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि अगर 12% लॉस से नीचे आपने जाना ही नहीं है तो वो 88% डिपॉजिट क्यों कर रहे हो बॉस? जैसे आपने बोला 1 लाख रुपया जमा किया, अगर 12,000 रुपये घाटा हो गया तो हम गेम बंद कर देंगे, यही कहना चाह रहे हो ना आप? तो बॉस फिर 88,000 क्यों जमा करके रिस्क ले रहे हो? क्योंकि अगर खोपड़ी पे शैतान नाचा तो 88,000 चले जाएंगे, अगर रातों रात वो साइट बंद हो गई तो 88,000 चले जाएंगे, साइट के मन में बेईमानी आ गई, गवर्नमेंट ने कोई रूल ले आया तो वो साइट बंद हो गई, आपके 88,000 डूब जाएंगे, या किसी ने 1,000 किए हैं तो उसके 880 रुपये डूब जाएंगे। अब बात को समझने की कोशिश करो। दूसरी बात, आप कह रहे हो 4% प्रॉफिट लेंगे, मान लो आपने 1 लाख रुपया जमा किया, आज आपने 1,04,000 बनाया, ठीक है, अगले दिन आपने 1,04,000 का 4% बनाया, आपको कितना होगा? लगभग लगभग 5600 रुपये हो जाएगा। ऐसे करके आपने 3 दिन बनाया 4%, 4%, 4%, चौथे दिन आपका 12% लॉस हो गया। होगा ना कभी ना कभी, 12% पे आप रुक गए, 3 दिन का 12% चले गया, जो उसके ऊपर का कंपाउंडिंग का था वो थोड़ा बहुत बच जाएगा, 1,000-2,000 रुपया, बाकी आपका 3 दिन आप पीछे आ गए। फिर अगर वो पीछे वाले अमाउंट का 4%, अब आप मुझे ये बताओ, आप 88 का 4% लोगे? मान लो आपने 3 दिन में उसको कर दिया आपने 1,12,000 के करीब, 1,13,000-14,000 के करीब, अब 12% का लॉस, 12,000 जीरो, आप वापस 1 लाख पे आ गए। अब 1 लाख से आप फिर 4,000-4,000 करके शुरू करोगे। अब आप मुझे ये बताओ कि ये चीज़ें बिजनेस और सेविंग में इसलिए कामयाब हो जाती है कंपाउंडिंग, क्योंकि उसमें घाटा नहीं होता है। एफडी में ब्याज बढ़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा, पर लॉस नहीं होता है। सेविंग में आप थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में आप थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हो, वहाँ कंपाउंडिंग क्योंकि बढ़ेगा, यहाँ पर घटने का भी चांस है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब ये, अब चलो मान लेते हैं कि मैं कुछ चीज़ समझने में गलती कर रहा हूँ, बड़ा घटा बड़ा घटा, पर ओवरऑल आपका पैसा बढ़ रहा है। बॉस वो 100 दिन के बात कर रहे हैं, 100 दिन का मतलब होता है 3 महीने 10 दिन।
आप 3 महीने तक बड़ा घटा करके इतना पेशेंस कितने लोग रख लाएंगे? 95% लोग नहीं रख सकते, 98% लोग नहीं रख सकते। तो वो लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे यार जब इतने दिन में इतना पैसा बढ़ गया, चल थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, बड़े हुए का ही लेते हैं। अब बड़ा हुआ थोड़ा सा कम हो गया, अब वो फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी, यार मैंने तो बैठे बैठे पंगा ले लिया, पैसे घटा दिए, चलो एक काम करते हैं जितने थे उतने करके छोड़ दूंगा, वो फिर और थोड़ा ट्राई करते हैं। ऐसे करके खोपड़ी पे शैतान नाचता है, आपका लालच आपको मरवाता है और आप इसमें नीचे आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हमने भी कंपाउंडिंग के चक्कर में अपना बहुत लॉस उठाया है, और आपकी बात बिल्कुल सही है। जो आज जोश में आ रहे हैं ना, उनको 6 महीने बाद 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा। कई आजकल कई लोग हैं जिनके 100-100 सब्सक्राइबर भी नहीं है, वो भी कागज पेन लेकर के लोगों को कंपाउंडिंग समझा रहे होते हैं और अपने प्रोमो कोड से बोल रहे थे, क्योंकि आप जितना लॉस उठाओगे उनको कमीशन मिलेगी। मैं सिंपल सा डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ, एक वीडियो में उस कंपनी का नाम लेने का पैसा लेता हूँ, मेरे प्रोमो कोड से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा प्रोमो कोड यूज करने का इतना मतलब है कि कल को आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ या विड्रॉल नहीं आया तो मैं आपकी आवाज उन तक डायरेक्ट पहुंचा सकता हूँ, बस इससे ज्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अभी जैसे न्यूज आई 2 दिन पहले कि भी भारत सरकार ने एक पूरा सिस्टम बना लिया है, मतलब बनाने जा रही है, पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है। आईटी हेड जो आईटी मंत्री हैं उन्होंने मीडिया में आके, अलग अलग लोग बोलते कौन से न्यूज़ चैनल में बोला, भाई जी इंडिया एनडीटीवी देख लो, जी न्यूज़ देख लो, दैनिक जागरण देख लो, जो भी न्यूज़ है या गूगल पर सर्च कर लो आपको वो न्यूज़ मिल जाएगी। उन्होंने बोला कि भाई जो भी इंडिया के अंदर ऐसी गेम्स है जिनमें पैसा लगाया जाता है, सट्टेबाजी करी जाती है, हम उसको बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने रेगुलेट वगैरह की कोई बात नहीं, उन्होंने क्लियरली डायरेक्टली ये बोला कि हम बंद करने जा रहे हैं। अब वो सरकार ने वो सोच लिया है या कुछ उसके बारे में पेपर वर्क कंप्लीट कर ले तभी वो मीडिया में आई है। अब उसको अप्लाई करने में कितनी दिन लगेंगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, मुझे नहीं मालूम। जो न्यूज़ आई मैंने आपको बताई, और क्यों बताई, क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग के चक्कर में जो लोग अपना पैसा वहाँ रख के बैठे हैं, अगर कभी भी रातों रात वो साइडें बंद हो गई तो आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बैलेंस जीरो रखो। एक और कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट क्या है कि आज हम जीत सकते हैं तो हम कसीनो का लेंगे सिर्फ 4%, आज हम हार सकते हैं तो हम कसीनो को देंगे 12%। मतलब हम जीतेंगे कम, जिस दिन हम जीत सकते हैं, जिस दिन हमारा दिन है, जिस दिन हम तेरे पे हावी हैं, तो हम तो तेरे को 4% तेरा लेकर के छोड़ देंगे। जिस दिन हम निपटे पड़े हैं तो उस दिन हम तेरे को अपने से 3 गुना ज्यादा दे देंगे। ये कहाँ की अकलमंदी है कि जीतेंगे कम हारेंगे ज्यादा, ये कौन सी अकलमंदी है? मैं हमेशा कहता हूँ गैम्बलिंग को गैम्बलिंग की तरह करो, गैम्बलिंग को बिजनेस की तरह मत करो। गैम्बलिंग जो होती है उसको प्लेयर बन करके करो, उसमें हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि बड़े पैसे से छोटा पैसा बनता है। वो आसान दिखता है तभी तो कसीनो फल फूल रहे हैं, तभी तो जुए गड्ढे फल फूल रहे हैं, तभी तो आप लोग बर्बाद हो रहे हो। अगर आप थोड़ा पैसा लेके जाओगे और ज्यादा जीत के आओगे तो आपका जाएगा थोड़ा, उनका आएगा ज्यादा। आप ज्यादा लेके जा रहे हो कि थोड़ा आएगा, आएगा बिल्कुल 10 में से 8 बार आएगा, 10 में से 9 बार आएगा, पर एक बार भी नहीं आया तो आपका सारा चले जाएगा। इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं समझा सकता, और भी ऐसे कई पॉइंट्स हैं, आने वाले वीडियो बताऊंगा, एक ही वीडियो बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। कंपाउंडिंग से बच के रहना, ये 4% 12% ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। अपना 4% लेके बैठो, दूसरे का 12% लेके आओ, 3 दिन नहीं भी लाओगे, 4th दिन लाओगे तो भी आप इक्वल पे रहोगे। आपका खोने का डर कम रहेगा, जीतने का डर आने का ज्यादा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात को समझोगे, और नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, बकवास वीडियो समझ के निकल जाना, मैं अपना काम करता रहूंगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।